राजनीति का नक्शा जरूरत की रेखाओं से बनता है। जब एक दूसरे के फायदे की गारंटी हो तो फिर दो दलों या फिर दो नेताओं के गठबंधन में देर नहीं लगती, और जब नुकसान का खतरा सताए तो फिर रास्ते अलग होने में भी वक्त नहीं लगता। मुख्तार अंसारी से बसपा ने पहली बार किनारा नहीं किया है, ऐसा पहले भी हो चुका है। माफिया मुख्तार ने अपने सियासी करियर की सीढ़ियां बसपा में रहकर ही चढ़ी थी। 1996 में मुख्तार पहली बार बसपा की टिकट पर ही विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, दोबारा पार्टी में वापसी कराई और फिर अब बाहर जाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति में सगा वही होता है जो सत्ता तक पहुंचने में मददगार बन सके। आज के दौर में जब भाजपा की योगी सरकार माफिया और बाहुबलियों के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलवा रही है और अपराध पर नकेल को चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रही है, तो बसपा ने मुख्तार से तौबा करने में ही भलाई समझी। अब मुख्तार अंसारी ओवैसी के साथ मिलकर क्या पतंग उड़ाएंगे या फिर साइकिल की सवारी के बारे में सोचेंगे, इस पर चर्चाएं तेज हैं। मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-तहत-उल-मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। माफिया भरोसे आर पार की टक्कर, मुस्लिम वोटों के लिए बाहुबली दंगल, दो हजार बाईस चुनाव का हिस्ट्री शीटर गेम। मैं गुजारिश कर रहा हूं आप सबसे कि आइए हमारी पार्टी में, आइए भाइये में, हम आपको टिकट भी देंगे और वोट भी दिलाएंगे और आपको विधायक भी बनाएंगे। ये वक्त है इन फासिस्ट ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का। ओवैसी की पतंग मुख्तार के संग।